और खबर देश की राजधानी दिल्ली से। मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर गंभीर आरोप लगा है और एक महिला ने विधायक ऋतुराज गोविंद पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और बोले यहाँ 5 साल तक कोई पानी और कोई रोड वगैरह किसी का आपके लिए सुधार नहीं होगा। ये महिला दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज गोविंद पर बदसलूकी का आरोप लगा रही है। दिल्ली के किराड़ी के रहने वाली इस महिला का आरोप है कि जब वो इलाके में पानी की किल्लत की शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंची तो उनके साथ बदसलूकी की गई, जबकि एमएलए ऋतुराज ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि महिला की मांग पर तुरंत पानी के टैंकर मुहैया करवाए गए हैं। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और बोले यहाँ 5 साल तक कोई पानी और कोई रोड वगैरह किसी का आपके लिए सुधार नहीं होगा। ये सब वायात की बातें हैं। ये बौखलाए हुए वो कांग्रेसी लोग हैं, है ना, जो 65 साल से देश को लूट रहे हैं और आज ऐसी नीच हरकतें कर रहे हैं अपने वॉलंटियर्स के जरिए। महिला ने जहां दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए, वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। आपके ऊपर कोई केस लगा दिया जाएगा 751 का, तो आपको यहां से चुपचाप आप ऐसा करो, बंद इस केस को यही फतवा करो। केजरीवाल जी बोलते हैं ना कि लेडीज सुरक्षा है, कहां से सुरक्षा है, जब खुद उनका विधायक कपड़े हमारे फाड़ सकता है तो क्या लेडीज की सुरक्षा है। एक तरफ इस महिला के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर पर काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गली गली में चोर है, ऋतुराज चोर है, और दावा कर रहे हैं कि विधायक ऋतुराज की करतूत सीसीटीवी में कैद है। वहीं ऋतुराज भी सीसीटीवी की जांच की बात कर रहे हैं। अगर ऋतुराज इस चीज को निराधार करता है, ये केस झूठा है, तो उसके घर पे सीसीटीवी लगे हुए हैं 4-4, उस सीसीटीवी की फुटेज निकलवा लो। आपको अगर चाहिए तो सारा का सारा सीसीटीवी फुटेज देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किसने बदतमीजी करी है, किसने कुर्सी तोड़ी है, किसने मेरे से बदतमीजी करी है। अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगे आरोप ने विपक्ष को केजरीवाल सरकार पर फिर से हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। राजेंद्र स्वामी, इंडिया टीवी, दिल्ली।